राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेरसिया की ग्राम गोलियापुरा सद गौशाला में गोवंश के लिए सुरक्षित नहीं है। हालात ये हैं कि गौशाला में हर रोज 4 से 5 गाय दम तोड़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक गौशाला में करीब 100 गायें खत्म हो चुकी हैं। संबंध में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। जब हमने ग्राम पंचायत के सचिव शंकरलाल नागर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गौशाला में 100 गायें से अधिक गायें नहीं रखी जा सकती हैं, मगर ग्रामीण आसपास के आवारा गायें भी लाकर गौशाला में रखने की जिद करते हैं। अभी हाल में गौशाला में 300 गाय से अधिक हो जाने के कारण कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। इतनी गायों को देख रेख करना और सुरक्षित रखना हर कीमत पर संभव नहीं है। कितने टाइम टाइम पे आते हैं? हाँ। तो अपने यहाँ पे कितनी गायें हैं? अपने यहाँ पे 40-50 अभी वर्तमान में, पहले 300 थी स्टार्टिंग में। तो इसकी कैपेसिटी है 300 में जाती गए? नहीं थी कैपेसिटी, गांव में जबरदस्ती शुरू की। नागर साहब, यहाँ की जो देख रेख है वो आप ही करते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा ही? हाँ, अभी तक सर ग्राम पंचायत के द्वारा ही संचालन किया जा रहा है। तो जैसे अभी यहाँ से कुछ जैसे पेपर में इतने समाचार मिला था कि यहाँ व्यवस्था है, तो उसके मामले में आपको क्या? नहीं नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। गायों का जितनी भी गाय है यहाँ पर सुरक्षित है, सभी को चारे पाने की व्यवस्था है। और गांव वालों ने जबरन बीच में 100 गाय की क्षमता है, लेकिन 300 गाय तक इसमें छोड़ दी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। हमारा जो टारगेट था उसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी है। और यहां पर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से है। गाय की जो बता रहे हैं कि 4-5 गाय रोज मरती है, तो 4-5 गाय अगर रोज मरती तो यहाँ पर आस पास कहीं रखने की जगह भी नहीं मिलती। यहाँ पर जो भी गाय है, जो बीमार गाय है, बूढ़ी गाय है, वो ही जरूर खत्म होती है। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गाय पूरी तरह से RC विजयपुरिया। विजयपुरिया थी। आप पशु चिकित्सक हैं? जी सर, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। सर आप यहाँ कब कब आते हैं? यहाँ सर लगभग 1-2 सप्ताह, और जब भी योग लग जाता है ना, जब भी सूचना देते हैं तो आ जाते हैं। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो क्या गैयाओं की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसी नज़र आई आपको? नहीं सर, मुझे अभी बीच में तो अच्छी लग रही थी, और अभी बीच में हम क्या दूसरे इमरजेंसी ड्यूटी में उलझ गए, उसी बीच में थोड़ा सा ये सुनने में आया है, तभी से हम कंटिन्यू आ रहे हैं 3 दिन से। अच्छा। इलाज भी कर रहे हैं और सील लगाई हैं, टीकाकरण भी किया है। अच्छा, आपके हिसाब से इसमें कितनी गायें रख सकते हैं? 100 गायों का है सर, 100 गायों का। तो जानकारी मिली कि यहाँ तो 300 से ऊपर हो गई थी अभी? हाँ, वो हमको मालूम है शुरू में आया, जब दूसरे गाँव वालों ने थोड़ी ज़बरदस्ती कर गए सर, फिर पूरी जानकारी जब बताई तो उन्होंने समझाया, तो धीरे धीरे फिर वो 100 गायों का है सर, 100 गायों का बराबर। अच्छा जी जी। तो यहाँ पे व्यवस्था अच्छी चल रही सब? हाँ, व्यवस्था अच्छी है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन